मुद्दा पर डीएम और एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलेक्टर मोहित बुंदस और एसपी तिलक सिंह ने आचार संहिता की बात की पहली प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और संबंधित नियमों के चलते दी जानकारी। लोकसभा प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। बाहरी लोगों असामाजिक तत्वों सहित सीमावर्ती राज्यों पर रहेगी कड़ी निगरानी। सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक सोशल साइटों पर रहेगी पैनी नजर। किसी भी तरह की अनैतिक जानकारी मिलने पर दे सटीक सूचना, साथ ही सटीक कार्रवाई भी होगी। एक सामान्य जैसे मान लीजिए कोई सोशल मीडिया ग्रुप है, उसके मेंबर्स आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, तो उसको किस तरीके से देखा जाए? वो वैसा प्रचार नहीं है जो वायरल वाला जो होता है ना, उस तरीके से। हालांकि उसमें गूगल फेसबुक ये लोग भी रेगुलेट कर रहे हैं, सर जो लोग रह गए हैं मतदाता सूची में जिनके नाम अभी दर्ज नहीं हो पाए उनके लिए क्या लास्ट ऑप्शन? मेरा ये रिक्वेस्ट है सब पब्लिक से कि आप नॉमिनेशन के लास्ट 3 बजे से पहले अपना नाम खुलवा लें, खाली एपिक कार्ड के बेसिस पे वोटिंग अलाउ नहीं हो पाएगी, तो अभी अपने पास टाइम है, अपन अपना नाम जुड़वा। सर जैसे नाम जुड़वाने के लिए वहाँ जाते हैं तो अधिकारी सुनते नहीं, तो उस पर किस तरह की कार्यवाही की जाएगी? इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पास इतने सारे पोर्टल्स हैं, 90-50 हेल्पलाइन है, आप कंप्लेंट करो, मैं कार्रवाई करूँगा। अगर मेरे सामने ये आता है कि आपका नाम नहीं जुड़ रहा है तो बिकॉज हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा एक दिन होता था सुबह। हम लोगों ने 72 सर बहुत सारे बाहरी लोग हैं जो आचार संहिता लगने के बाद भी यहाँ काम कर रहे हैं, विभिन्न तरीकों से रेत के काम में भी लगे हैं, ऐसे लोगों को क्या प्रशासन खदेड़ेगा चुनाव? बहुत टाइट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग मेंटेन करेंगे, हम आपको श्योर। जी शस्त्र कब तक जमा करना होगा, क्या है? शस्त्र आप अब जमा करना शुरू कर सकते हैं, काउंटिंग के बाद 25 मई तक लाइसेंस जो होल्ड पे रहेंगे, तो सारे अपने शस्त्र आपको काउंटिंग से पहले ही इनफैक्ट जमा करने हैं। और इसी तरह से 8 कंपनी का विशेष सशस्त्र बल की मांग की गई है, लगभग 1000 होमगार्ड की मांग की गई है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 इंटर स्टेट नाके हैं, सभी नाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसी तरह से जो जिले के 20 नाके हैं वहाँ की व्यवस्था रहेगी, लगातार गुंडे बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और इसी तरह से जो शासकीय संपत्तियों पर जो होर्डिंग्स लगे हैं, बैनर लगे हैं, उनको भी हटाने का काम किया गया है। सर अवैध शराब का बड़ा रोल होता है चुनाव के दौरान, उसको लेकर क्या कोई प्लान बनाया है? निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो पेट्रोलिंग पार्टियाँ बनाई गई हैं, लगभग 186 पेट्रोलिंग पार्टियाँ बनाई जा रही हैं, नियमित रूप से उससे जहाँ की भी सूचना आएगी हम लोग दर्ज देंगे, और आबकारी विभाग से भी तालमेल करके जहाँ जहाँ अवैध शराब बनाने की जानकारी मिल रही है उन गाँव में जाके भी की। सर होटल लॉज में बहुत सारे बाहरी रुके हुए हैं जो अवैध रेत का कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या आचार संहिता लागू हो गई है? निश्चित तौर से डेली होटल लॉज वालों की चेकिंग भी होगी और शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक वाहनों की चेकिंग भी होगी, ताकि कोई गुंडा बदमाश अवैध सब लेके ना जाए, उसकी भी चेकिंग की जाए। सर रेत खदानों पर भी काफी गुंडे मवाली देखे जाते हैं, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वो इसलिए सभी थाना प्रभारियों को डेली हम लोग आरटी कॉल करके और उनसे फीडबैक भी लेंगे और कार्रवाई करेंगे।